कैसा है अंकित भाई? चिकन लेग पीस। किसकी चॉइस थी? किसकी चॉइस थी? मेरी। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं करोल बाग और हम वहां पर कुछ आपको दिखाने वाले हैं। और हम आज क्या खाएंगे? अंडे का पास्ता। क्या खाने वाले आज हम? अंडे का पास्ता। तो चलिए आज हम चलते हैं वहां पर, आपको दिखाएंगे आंटी के पास्ते में कितना जायका है। काफी हमने नाम सुना है आंटी के पास्ता का, तो चलते हैं। दोस्तों ये रोड है, हाईवे है पूरा, देख सकते हैं आप पीछे, हम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, मतलब मेट्रो पास नहीं है इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। देखते हैं। अभी हम एक्सीलेटर पे हैं और मेट्रो में जाएंगे, अभी हम दिखाएंगे मेट्रो का नज़ारा। हम कहाँ जा रहे हैं? आंटी का पास्ता। देखियो जरा इसको, चिड़ इसको चिड़ हो रही है। लेकिन आंटी का पास्ता तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन हम कहीं और भी जाएंगे नॉनवेज खाने के लिए, मतलब इसको नॉनवेज खिला दो चाहे जितना। हम करोल बाग पहुंच चुके हैं। करोल बाग और अभी यहाँ पे मतलब मेट्रो से नीचे उतरते ही है ना? हाँ। पास्ता नीचे उतरते ही है, बस मेट्रो से नीचे उतरते ही पास्ता है। हम आपको लेके चलते हैं। का पास्ता है, टेस्टी पास्ता है ये। हमने लगाया अपना कार्ड और हम निकल गए बाहर। हम करोल बाग पहुंच चुके हैं और आंटी का पास्ता दिखाने वाले हैं। सामने बन रहा है, कैसा है? ये बहुत मशहूर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन ये आंटी का पास्ता बहुत मशहूर है। दिखाएंगे ना, बहुत टेस्टी है। अभी हम खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा टेस्टी है। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ ना, मज़ा आ गया। आंटी का पास्ता खाने में बहुत टेस्टी था और ये भी लोग खा ही रहे हैं। कैसा है भाई आंटी का पास्ता? बढ़िया है, जब भी आओ पास्ता जरूर खा लो। बहुत टेस्टी है इसकी। शायद प्लेट कितने रुपये की है इसकी? की है 40 की हाफ और प्लेट 40 रुपीज की है और 60 और फुल 60 की है। बहुत टेस्टी है, अगर जो आपका कोई मन करे तो आना जरूर भाई। इधर करोल बाग से जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से निकलती है आंटी का पास, और भीड़ दहोगे से लगी हुई है। कैसा है अंकित भाई? बहुत बढ़िया है भाई। बाकी करोल बाग की मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है और हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। करोल बाग की मार्केट मतलब मेट्रो से तुरंत नीचे उतरते ही है, तो कितनी यहाँ पे चहल पहल है, मतलब जी तो लगेगा आपका, ऐसी बात नहीं है। आप नीचे उतरोगे तो आपको पूरी मार्केट देखेगी भरी हुई है, ज़बरदस्त मज़ा आता है मतलब मार्केट में। आप देख सकते हैं कितनी मार्केट है यहाँ पर, आप सामान खरीद सकते हैं बहुत ईजिली से, पूरी मार्केट ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं हमें, मतलब वेरी चीप प्राइस में, मतलब 120, 150, 250 और 120, 70 रुपीज़ में, मतलब आपको यहाँ पे वन इधर बच्चों का सामान है, आपको मतलब बहुत कम रेट में यहाँ पर आपको बहुत सामान मिल जाएगा। अगर जो आप करोल बाग आ रहे हैं यहाँ पे सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से कुछ भी, मतलब यहाँ पे सबके लिए है। ये मैंने यहाँ पे चीज़ नोट कर ली है, यहाँ पे कोई भी आएगा, चाहे कोई मतलब कितने, चाहे मिडिल फैमिली हो या रिच हो या पुअर हो, यहाँ पे सबके लिए अवेलेबल है कुछ ना कुछ। ये तो मैं मानता हूँ इस बात के लिए, तो क्योंकि यहाँ सबके लिए
उनके लेवल के हिसाब से एवरीथिंग इज अवेलेबल है। आंटी का पास्ता तो हमने आपको खिलवा ही दिया, बहुत टेस्टी है, मैं तो दोबारा भी आऊँगा खाने के लिए। अभी कभी इधर चक्कर लगेगा तो इधर देख सकते हैं आप सबुन, यहाँ से आप पैंट शर्ट शेरवानी वगैरह ले सकते। आप यहाँ से शूज़ भी ले सकते हैं, मतलब 500 रुपीज़ में आप क्वालिटी दे सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त है। मतलब 500 रुपीज़ में आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा माल कहीं पे मिलेगा। अल्टीमेट मतलब स्पोर्ट्स शू अगर आपको चाहिए तो 500 रुपये में आप ले सकते हैं यहाँ से। ये 350 रुपये का है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब लुक वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी तो पहन के आपको पता चलेगा कैसा है, बाकी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये हम यही खाने वाले हैं, क्या ऐसे मोमोज में, क्या है कौन से मोमोज है? बढ़िया लगेंगे, और नहीं लगे बढ़िया? कुरकुरे मोमोज हम खाने वाले हैं, कुरकुरे मोमोज। ये कुरकुरे मोमोज है, कुरकुरे मोमोज भाई मैं देखो पहली बार खा रहा हूँ, और अभी बताऊंगा आपको टेस्ट कैसा है। ये इनकी दुकान है, अगर जो आप खाने हो ना तो राहुल मोमोज एंड पास्ता शॉप आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये 100 रुपये की प्लेट है भाई, देखते हैं 100 रुपये वाला मजा आएगा कि नहीं आएगा। सुंदर, जब भी आप मतलब स्टोरी वगैरह देखोगे ना, एक बंदा आएगा आपको ऐसा मिलेगा, चिकन लेग पीस। ये भी करता है चिकन लेग पीस, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी है। और जो आप आओ तो ज़रूर खाना भाई, 100 रुपये के 6 हैं, लेकिन भाई मज़ा आ गया। राहुल मोमोज एंड पास्ता शॉप, भाई मज़ा आ गया भाई। भाई एक और है भाई मेरा भी उसके अंदर, जरा 3 बंदे हैं, 3 एक तो खाएंगे। अरे मैं नहीं, जरा चलो। अरे खाऊंगा भाई मैं तो, नहीं दूंगा मैं। भाई कैसा लगा सर वो? टेस्टी है ना, मज़ा आ गया ना भाई। किसकी चॉइस थी, किसकी चॉइस थी, किसकी चॉइस, सच बताओ किसकी चॉइस थी? मेरी चॉइस थी। अंकित भाई कैसा लगा, मजा आ गया ना भाई? किसकी चॉइस थी भाई? कोई भी चॉइस, फाइनली ये मेरी चॉइस थी भाई, ये मेरी चॉइस थी। मेरे को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खा के। अभी एक और मेरा बचा हुआ है, वो भी खाऊंगा। अब दोनों मैं खाऊंगा, अब नहीं देने वाला। अभी रुक जा, भी खिलाऊंगा तेरे को, घूम के आ गए। लेकिन आंटी के पास्ता की भीड़ नहीं खत्म हुई भाई, जबरदस्त भीड़ है, मतलब अभी भी खूब लोग मतलब अच्छे से मजे से खा रहे हैं। अभी हम मेट्रो की ओर चलते हैं दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मेट्रो की ओर। और ब्लॉग में बहुत मज़ा आया है भाई, मज़ा आया ना फुल, खाने पीने में। अब हम जा रहे हैं मेट्रो पकड़ने, मेट्रो पकड़ने जा रहे हैं, मेट्रो पकड़। ये एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस है, करोल बाग में, मेट्रो के बिल्कुल जस्ट बगल में एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस। वैसे तो हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो गया है, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नई जगह पर। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्या है यार, अब कोई वो थोड़ी है। मज़ा है ना भाई ब्लॉग में, मज़ा मतलब बहुत, मतलब करोल बाग ना कितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अगर जो आप करोल में जाओ, करोल बाग में जाओ ना, जब खाने की चीज़ तो आपको अलग मिलेगी वहाँ पे। उसके बाद आप कपड़े खरीद सकते हैं, एक वहाँ पे मोबाइल की मार्केट है, कपार मार्केट, और बाइक की मार्केट है वहाँ पे, स्लेंसर्स ले सकते हैं आप, एक से एक स्लेंसर वहाँ पर मिलते हैं। मतलब करोल बाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक बार करोल बाग मेट्रो से नीचे उतर गए तो आप कुछ ना कुछ सामान वहाँ से खरीद के लाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो आशा करता हूँ जो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।